हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनीलता। आज फिर आप के जो सब्जेक्ट है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग, उसके लास्ट लेक्चर के साथ, जिसमें कि हम जो है अपना फोर्थ यूनिट कर रहे थे और आज हम फोर्थ यूनिट अपना कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसका कि हमारा जो टाइटल था या टॉपिक जो था वो हमारा कोरिलेशन का था। हमने इससे पहले वाले वीडियो में जो है कोरिलेशन के बारे में पढ़ा कि कोरिलेशन क्या होता है और फिर कोरिलेशन कोफिशियंट हम कैसे निकालते हैं और साथ ही साथ क्या है कोफिशियंट निकालने के लिए हमें जो है किन दो विधियों का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि हमारा टॉपिक हमें शो कर रहा है कि हमें एक रैंक डिफरेंस मेथड का प्रयोग करना होता है और दूसरा प्रोडक्ट मोमेंट मेथड का प्रयोग हमने करना होता है। जो स्टूडेंट्स इससे पहले वाला लेक्चर है मेरा, उसमें हमने रैंक डिफरेंस मेथड के द्वारा हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं इसका स्टडी कर लिया था और अब इस लेक्चर के अंदर हम जो है वो प्रोडक्ट मोमेंट मेथड का प्रयोग करेंगे, जिसको कि हम पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका अगर हमें अगर अगर नाम बताएं तो हम इसको कह सकते हैं कि पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन मेथड। ठीक है, अब जो प्रोडक्ट मोमेंट मेथड है हमारा कोरिलेशन निकालने का, कोरिलेशन जैसे कि हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो राशियों के बीच में जब थोड़ा या परिवर्तन होने पर परिवर्तन किस दिशा में होता है, कितनी मात्रा में होता है ना, कई सारी चीजें हम चेक करते हैं, लेकिन जब हम डिग्री निकालते हैं कि कितनी मात्रा में जो है वो परिवर्तन हुआ है उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं, है ना। ये मैं आपको रिवाइज करा रही थी। और अब जो है प्रोडक्ट मोमेंट हमने निकालना है, तो प्रोडक्ट मोमेंट को निकालने के लिए क्या है, बहुत सारे मेथड हैं। ठीक है, आप कौन कौन से मेथड हैं देखिए, इसको जो निकालने के लिए प्रोडक्ट मोमेंट को निकालने के लिए हमने 6 मेथड्स को हम प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे कि रियल मीन मेथड फर्स्टली अगर हम प्रयोग करना चाहें, और आज हम इसी मेथड से ही निकालेंगे जो प्रोडक्ट मोमेंट हमने निकाला है, वो आज हम इसी मेथड से निकालेंगे। ठीक है, दूसरा हमारा है रियल मीन मेथड को हम क्या कह सकते हैं, वास्तविक मध्यमान विधि। ठीक है, जो स्टूडेंट्स हिंदी वाले हैं मेरे, उनके लिए मैं हिंदी के शब्द भी प्रयोग बीच बीच में करती रहूंगी ताकि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम यहाँ पर ना आए। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, वास्तविक मध्यमान विधि। ठीक है, सेकेंडली हम बात करेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड। ये सेकेंड तरीका है कोरिलेशन को निकालने का, प्रोडक्ट मोमेंट के अंदर जो सेकेंड अपना मेथड है वो यह है, और इसको हम कहते हैं अज्यूम का मतलब क्या होता है, कल्पित कर लेना, कल्पना कर लेना, कल्पित मध्यमान विधि के नाम से हम इसको जानते हैं कि मध्यमान जो है वो मीन जो है वो हम उसको इसमें कल्पना करेंगे कि हमारा जो मध्यमान है वो इतना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट, इसमें रिड्यूस्ड स्कोर मेथड। रिड्यूस्ड स्कोर मेथड हिंदी के अंदर हम इसको कहेंगे अंक कम करने की विधि, जिसमें हम क्या करेंगे, हम जो है वो स्कोर को हमारा रिड्यूस करेंगे। ठीक है, फोर्थ जो है डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड के अंदर हम क्या प्रयोग करेंगे, अंतर विधि के नाम से, जैसे हम जानते ही हैं कि अंतर विधि क्या है, जो डेटा है उसमें हम किसी भी प्रकार से दो के बीच में अंतर करेंगे, दो ग्रुप सोच है जो भी है जहां पर हमने कोरिलेशन चेक करना है। ठीक है, तो ये डिफरेंस मेथड हो गया। उसके बाद फिफ्थ हम बात करते हैं इसमें कि वन डिवेशन आर टेकन फ्रॉम जीरो, जब जो हमारा डिवेशन है विचलन जिसको हम कहते हैं, वहां पर जब हम जीरो से इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, तब इस मेथड का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद जो है फिर है स्कैटर डायग्राम मेथड, ये भी एक अनदर मेथड है कोरिलेशन को निकालने का, स्कैटर डायग्राम विधि इसको कहते हैं हम। ठीक है, तो जो है इन विधियों का प्रयोग करके हम कोरिलेशन निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर। ठीक है, बड़ा ही आसान और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बड़ा ही स्मूथली जो है वो पूरा हो जाएगा, थोड़ा सा बस हमें अपने आप को माइंड सेट करके इसको पूरा करने का प्रयास करना है। ठीक है, अब जो हम आज प्रयोग करने जा रहे हैं प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, इसके अंतर्गत क्या है, हमने रियल मीन मेथड का प्रयोग यहाँ पर हम कर रहे हैं, सबसे पहला जो हमारा मेथड है और इसका जो फार्मूला है। अब देखिए, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि इसको हमने क्या है, पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन मेथड इसको हम कहते हैं, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम इस आर के द्वारा, स्मॉल आर के द्वारा जो है हम इसको दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे उसमें क्या था, जब हम रैंक डिफरेंस कर रहे थे तो उसमें हम रहो या पी के द्वारा जो है वो उसको दर्शा रहे थे, लेकिन हम इसका जो चिन्ह है हमारा वो क्या है, वो हमारा ये वाला है। ठीक है, फार्मूला पर अब हम आते हैं कि कौन सा फार्मूला हमने इसमें प्रयोग करना है, तो फार्मूले के लिए स्टूडेंट्स क्या है हमारा, सिग्मा एक्स वाई सबका अंडर रूट करके इसका अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स वाई इंटू सिग्मा
x square sorry sigma into sigma y square. ये इसका formula है sigma x y upon under root सारे का sigma x square multiply sigma y square. ये formula है ठीक है इसको करने के लिए और इसको प्रयोग करने के लिए क्या है हम हमारे पास देखिए जैसे हमारे पास सम हमें दिया होता है कई बार क्या होता है कई बार जो एग्जामिनर है हमसे क्वेश्चन में थ्योरी पूछते हैं लेकिन कई बार क्या है हमारे हमारे पास क्या है पेपर के अंदर हमसे जो है इस तरह से पूछा भी जा सकता है सम निकालने के लिए भी हमें इस तरह से टेबल दी जा सकती है जिसमें आपके पास सिंपल आपको क्या दिया होगा आपको x दिया होगा और आपको y दिया होगा इसके अलावा आपको ये टेबल यहाँ पर बना के दी जाएगी और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस प्रकार से जो है प्रोडक्ट मोमेंट विधि का प्रयोग करते हुए आप जो है वो सहसंबंध ज्ञात कीजिए निम्नलिखित प्राप्तांकों से ठीक है निम्नलिखित कैलकुलेट द कोरिलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द स्कोर्स बाय द प्रोडक्ट कोरिलेशन मेथड एंड इंटरप्रेट योर रिजल्ट इस तरह से स्टेटमेंट आपके पास आएगी ये दो कॉलम आपको एक्स और वाई आपको दिए हुए होंगे सिंपली बस दैट्स इट आपने क्या करना है आपने जो है वो इस फार्मूले का प्रयोग करते हुए जो फार्मूला मैंने यहाँ पर भी डिनोट करने का प्रयास किया है ठीक है इस फार्मूले का आपने प्रयोग कैसे करना है कैसे यहाँ से आपने जो है वो x निकालना है कैसे आपने मीन निकालना है x डैश निकालना है y डैश निकालना है आपने x स्क्वायर निकालना है y स्क्वायर निकालना है एंड देन एक्स वाई निकालना है बड़ा ही इजी तरीका है बस थोड़ा सा ध्यान देने की हमें आवश्यकता है अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं हम सबसे पहले हमने क्या करना है रियल मीन मेथड की बात हो रही है तो मीन निकालेंगे सिंपली है ना तो मीन निकालने के लिए क्या करते हैं हम दो हमारा एक्स है और जो वाई वेरिएबल है ठीक है इनके इनके जो नंबर्स हैं हमें काउंट करने होंगे काउंट करके क्या करते हैं हम जब हम इसको काउंट करते हैं देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और बारह ये बारह डिजिट हमारे पास हैं एक्स स्कोर के रूप में भी है और वाई स्कोर के रूप में भी है अब इस हमने मीन निकालने के लिए क्या करना है इस सारे जो स्कोर है हमारा एक्स का इसको हम यहाँ पर क्या कर लेंगे इन सब का जोड़ कर लेंगे ऐड कर लेंगे इनको ऐड करने के बाद क्या है ऐड करने के बाद हम इसको क्या करेंगे इसको जो हमारे 12 जो ये स्टेटमेंट है 12 जो हमारे ये एन है नंबर है इससे हम क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे डिवाइड करेंगे तो जो हमारा मीन है वो निकल आएगा मीन को हमने क्या है मीन एक्स के नाम से जाते हैं यहाँ पर एक्स छोड़ फॉर्म में हम प्रयोग करते हैं ठीक है और इसको क्या है हम एक्स डैश भी कह सकते हैं ठीक है तो ये जो आपका मीन निकला यहाँ 624 आपका इसका जोड़ आया 624 तो उसको 12 से जब हम डिवाइड करते हैं तो आपका जो है वो 52 जो है आपका मीन निकल कर यहाँ पर आ जाता है वो क्या है वो एक्स स्कोर का मीन निकल जाता है देन हम निकालते हैं वाई स्कोर का वाई स्कोर का निकालने के लिए भी हम सेम मेथड का प्रयोग करेंगे किसी भी प्रकार की हमें कोई परेशानी नहीं है क्योंकि ये डिजिट ऑलरेडी हमें दी हुई होती है ठीक है तो इस सब का हम जोड़ करेंगे फिर जो इतने नंबर्स हैं हमारे जितने वेरिएबल्स के ठीक है उसे हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर y आपका जो है वो y निकल आएगा ठीक है y में आपने क्या निकालना है y में आपने यही निकालना है कि आपका जो ये टोटल जोड़ हो गया 240 उसको 12 से जब डिवाइड करते हैं तो आपका कितना आ जाता है आपका ये 20 जो है वो यहाँ पर आ जाता है ठीक है अब हम आगे बात कर रहे हैं इसके अंदर यहां पर आपका वाई होगा सिग्मा तो मीन था आपका सिग्मा ये वाई 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 होगा यहां पर सिग्मा वाई ठीक है अब हम जो है यहां पर क्या करने जा रहे हैं अब आगे जो है हम इससे आगे हमने निकालना है x माइनस एम एक्स ठीक है x अब जो एम एक्स है वो कैसे निकालेंगे हम कैसे निकालेंगे देखिए स्टूडेंट्स ये हो गया आपका ये एम वाई आएगा ना एम एक्स एम वाई देखिए स्टूडेंट्स जो हमारा एक्स आ गया यहाँ पर एक्स हमारी वैल्यू कितनी है यहाँ पर 40 है ठीक है और हमारा जो एक्स का मीन आया वो कितना आया एक्स का मीन हमने यहाँ पे निकाला 52 ठीक है तो जो एक्स है एक्स की जो वैल्यू है यहाँ पर इसमें से क्या है हम अपनी मीन की वैल्यू निकाल देंगे ठीक है जो टोटल टोटल जो स्कोर है एक्स का एक्स में से क्या है हम उसका एम एक्स यानी कि मीन जब निकालते हैं एक्स डैश जब हम निकालते हैं तो ये क्या है इसमें से जो है हम इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा माइनस करने पर यहाँ पर 12 आ जाएगा
ठीक है। उसके बाद जो है इसी तरह से सेकंड हम उठाएंगे यहाँ से, सेकंड 44 में से जब हम 52 कम कर रहे हैं -8 आ गया यहाँ पर हमारा। इसी तरह से 46 में क्या है -52 माइनस कितना हो गया -6 हो गया। 47 में से फिर हमने अपना मीन यूज किया माइनस किया 52 को तो कितना हो गया -5 हो गया। इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, इस प्रकार से हम 1 by 1 करके जो है वो यहाँ तक पहुंचे जाएंगे। जैसे 60 में से जो है हमने -52 निकाला 8 आ गया, 63 में से क्या है -52 निकाला तो हमारा क्या है 11 आ गया। ठीक है, कहीं पर ये जो संख्या आपके माइनस के रूप में आएगी, कहीं पर 0 भी इसकी वैल्यू हो सकती है, कहीं पर 1 भी हो सकती है, कहीं पर क्या है प्लस के अंदर भी हो सकती है, क्योंकि कोरिलेशन क्या है, कोरिलेशन में हम प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज को चेक करते हैं। ठीक है, देन हम इसी तरह से जो है वो y माइनस एम वाई करेंगे तो y डैश हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, y डैश आ जाएगा और y डैश निकालने के लिए क्या है हम सेम प्रोसीजर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि हमारी जो वैल्यू है y की वो यहाँ पर कितनी आ रही है 12 आ रही है, 12 आ रही है, 12 आ रही है, यहाँ पर 15 आ रही है, तो इसमें से जो हमने जो मीन निकाला y का वो हमारा कितना था, वो जो हमारा y का मीन था वो था 20। तो 12 माइनस 20 माइनस 8, 15 माइनस 20 माइनस 5, इसी प्रकार से 23 माइनस 23, 17 माइनस 20 माइनस 3, 16 माइनस 20 माइनस 4, 20 माइनस 20 0, 22 माइनस 22 और 20 माइनस 20 0। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या है सारे को जो है वो समाप्त कर लेंगे और ये हमारे पास जो है वो y बार निकल के आ जाएगा, जिसकी भी वैल्यू क्या है हमारे पास कहीं पर माइनस में होगी और कहीं पर प्लस में होगी। ठीक है, यहां तक आई थिंक सबको समझ आ रहा होगा। एक बार मैं थोड़ा सा आपको फिर भी रिवाइज करा दूंगी अगर किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है, नहीं समझ आ रहा है, लेकिन वेरी इजी कुछ नहीं है, सिंपल बड़ा ही अच्छा तरीका है देखने का, सिर्फ हमने मीन निकालना है। ठीक है, कुछ नहीं है, मीन हमने यहाँ पे निकाला, मीन निकालने के बाद हमने एक्स डैश निकालना है सिंपली और वाई डैश निकालना है। ठीक है, जो एक्चुअली की जो वैल्यू है उसमें से हमने क्या करना है मीन को ही निकाल लेना है। मीन जब माइनस करेंगे एक्चुअल वैल्यू में से तो क्या है, देखिए क्या करें रियल मीन मेथड से हम कर रहे हैं ना, तो रियल मीन चाहिए हमें, है इस विधि का प्रयोग कर रहे हैं, देन ये सब जो है हम आगे चलते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई, दोनों की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, इसको हमने इसका स्क्वायर कर देना है। अब जो यहाँ पे हमारे पास x का स्क्वायर 12 का स्क्वायर हम करेंगे यहाँ पे कितना आ गया 144, इसी प्रकार से 8 का स्क्वायर करेंगे 64, देन 6 का स्क्वायर करेंगे 36, उसके बाद 5 का करेंगे 25, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 3 का 9, 4 का 16, 8 का 64, 8 का फिर 64 और 11 का 121। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर आ गया x का स्क्वायर। उसके बाद हम y स्क्वायर की बात करेंगे तो y की वैल्यू ले लेंगे हम यहाँ पे, देखिए 8 8 का यहाँ पर डबल कर दिया, इसको कितना हो गया 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, 5 का 25, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 4 4 4 16, 0 का 0, 2 2 4 0, 2 2 4, 3 by 3 9, 5 by 5 25, 9 by 9 81। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसका क्या कर लिया स्क्वायर कर लिया। फिर उसके बाद अब हमने करना है x और y दोनों हमें ज्ञात करना है। यहां तक हमारे फार्मूले में x हमने x स्क्वायर हमने निकाल लिया, y स्क्वायर हमने निकाल लिया, जो कि हमारे फार्मूले की नीड है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, यहां तक ये चीज हमने निकाल ली है यहां पर, अब हमें चाहिए सिग्मा एक्स वाई। ये सिग्मा एक्स वाई हम कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल, सिग्मा एक्स वाई निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर x और y जो है दोनों को आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। जो सिग्मा यहाँ पर जो हमारा x आ गया है और जो y आ गया है, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 12 है यहाँ पर, तो 12 को जब 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 96, 8 को भी क्या है 8 को भी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 40, 8 को जब 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 आ गया, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ गया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ गया। इस प्रकार से क्या है x को हम y से मल्टीप्लाई यहां पर करते जाएंगे और हमारा जो जब सब इसका टोटल करेंगे तो वो क्या है सिग्मा एक्स वाई हमारा निकल आएगा, जो कि हमारा कितनी है यहां पर वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है हमारा 294। ठीक है, अब जो है हमारे पास सिग्मा एक्स का भी हमने जोड़ कर लेना है, वो सॉरी
सिग्मा एक्स का हमने जो सिग्मा एक्स का जो हमने यहाँ पे निकाला तो ये इसका जो जोड़ आया इसका कितना आया 544। इसी प्रकार से सिग्मा वाई स्क्वायर का जब हमने टोटल ऐड करके निकाला तो आया 264 और सिग्मा एक्स वाई जो हमने निकाला ये आ गया 294। इस तरह से जो डाटा की वैल्यू है वो हमारे पास सारी चीजें अब आ चुकी है। अब हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ इसको फार्मूले में पुट करना है। ठीक है, फार्मूले में पुट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए फ्रेंड्स जो एक्स वाई है हमारा, एक्स वाई की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट किया 294। ठीक है, और फिर क्या है सबका जो है हमने अंडर रूट भी दिखाना है, अंडर रूट फार्मूले के अंदर हमारे ऑलरेडी है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है सिग्मा स्क्वायर 544 मल्टीप्लाई बाय 2, जो y की वैल्यू है 246। ठीक है, इसको हमने जो है फिर हमने क्या किया, इसको जब हम आगे करते हैं तो जब आप अंडर रूट इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आ जाएगा मल्टीप्लाई का जो स्कोर है वो आ जाएगा 133824। ये आ गया, उसके बाद क्या करना है, हमने इसको जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो हमारा 0.80 जो है ये हमारी वैल्यू हमारे पास आ जाती है। अब जो 0.80 है ये किसके नियर अबाउट है, ये 1 के नियर अबाउट है। सो क्या कोरिलेशन इज वेरी हाई, ठीक है, कोरिलेशन इज वेरी हाई कोरिलेशन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो है हम पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट का प्रयोग करके रियल मीन मेथड का प्रयोग सिर्फ मैंने यहाँ पर आपको समझाया है और इस तरह से बड़े ही अच्छे और बड़े ही सुव्यवस्थित तरीके से जो है हम प्रोडक्ट मोमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके एक दो कंडीशंस और भी हैं कि हमें जो है वो अजम्पशंस क्या है, कहाँ पर जो है हम इसका प्रयोग करें, थोड़ा सा मैं इसके बारे में भी आपसे डिस्कस कर लूँ, क्योंकि सम तो मैंने आपको सिखा दिया है और फार्मूला भी मैंने आपको बता दिया है, लेकिन ये हम कहाँ पर प्रयोग होता है हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना। फार्मूला हम तभी लगाएंगे जब हमें पता होगा कि हमें कहाँ पर प्रयोग करना है इस चीज़ को। ठीक है, तो अजम्पशन क्या है, अजम्पशंस है कि पहला तो ये है कि इसको हम आर के द्वारा दिखाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया। ठीक है, इसका प्रयोग हम करते हैं और इस सहसंबंध को कहते हैं कि ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करने पर क्या है, लीनियर कोरिलेशन प्रदर्शित हो जाता है। ठीक है, लीनियर समझ रहे हो, जब एक लाइन के अंदर स्ट्रेट हम चले जाते हैं तो वहां पर हम शो कर सकते हैं ग्राफ में। ठीक है, सेकेंडली जो स्टैंडर्ड डेविएशन का आकार है इस सहसंबंध को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो आकार है वो क्या है, इसको मुख्य रूप से प्रभावित करेगा। फिर है, इस सहसंबंध की गणना तब हो सकती है जब जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्कोर है वो नॉर्मल होगा, जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा स्कोर का तब इसका जो प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, अब आर का, व्हेन टू यूज आर, आर क्या है, आर का प्रयोग हम तब करेंगे जब हमारा जो सैंपल साइज है वो बड़ा हो। अब इससे पहले हम रैंक डिफरेंस मेथड के अंदर क्या है, हम लेस देन 30 बच्चों पे ये काम कर रहे थे, लेस देन 30 वेरिएबल्स पर हम काम कर रहे थे, लेकिन जब जहां पर हमारा सैंपल अब 30 है वहां पर हम प्रोडक्ट मोमेंट का प्रयोग करेंगे। फिर क्या है, जब रेखीय सहसंबंध की आवश्यकता हो, जब हमने ग्राफ के द्वारा लीनियर या रेखीय जिसको सहसंबंध जब हमने निकालना है कोरिलेशन वहां पर हम इसका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं कि जब हमारे पास एनपीसी हमने पढ़ लिया है, जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा होता है उस समय में हम इसका प्रयोग करेंगे। और उसके बाद क्या है, जब दोनों चरों के जो स्कोर है उनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उनमें भी क्या है आपस में ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए तब हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडवांटेजेस ऑफ आर की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो वो क्या है आपका, देखिए फ्रेंड्स वो है कि यह सहसंबंध गुणांक अपेक्षाकृत अधिक एक्यूरेट होता है, अधिक एक्यूरेट होता है। सेकेंडली जो वेरिएबल्स हैं उनमें संबंध विश्लेषण में इसका प्रयोग किया जाता है। और क्या है, विभिन्न इस आर की सहायता से मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की जो रिलायबिलिटी है, जो विश्वसनीयता है वो भी ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, कौन कौन सा, अब ये तीन चीजें हमने पढ़ ली कि एक्यूरेट होता है, विभिन्न वेरिएबल्स का रिलेशन निकालने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ क्या है जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं उनकी रिलायबिलिटी अगर हमें चाहिए तो हम इस टेस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस मेथड का प्रयोग करते हैं। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आर को प्रभावित करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स जो जब एन का सैंपल है, आर एन बड़ा है तो जो कोरिलेशन गुणांक कोफिशिएंट है उसका मान अपेक्षाकृत क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब n का आकार बड़ा होता है, यानी कि जब आपके नंबर्स ज्यादा होते हैं तो क्या है कोरिलेशन का जो गुणांक है वो कम हो जाता है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी अधिक होती है। ठीक है, और दूसरा क्या है, इस r को क्या है साइज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी प्रभावित करता है, अर्थात अधिक प्रमाणिक विचलन का अर्थ है कम सहसंबंध गुणांक, अधिक
परमाणिक विचलन का अर्थ क्या है? कम सहसंबंध गुणा। तीसरा, वर्गांतरों का जो सामान्य आकार और वर्गांतरों की जो सामान्य संख्या होने पर क्या है? सहसंबंध गुणांक का जो मान है अधिक एक्यूरेट होता है और ऐसा क्या है? व्यवस्थित अंक सामग्री के अंदर होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था फैक्टर्स जो हमें प्रभावित कर रहे थे हमारे रैंक को। ठीक है, तो इसमें इस मेथड के द्वारा हम जो है वो प्रोडक्ट मूवमेंट निकाल सकते हैं। इसी के साथ ही हमारा जो ये सब्जेक्ट का जो ये फोर्थ यूनिट है असेसमेंट फॉर लर्निंग का यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा।